हेलो, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सायरा अफसल। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे? आज वीडियो बनाने का मकसद एक ख़ास मकसद है जो आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। आज दुनिया भर में योमा यतामा मनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि आज के दिन यतीम बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। कि अगर आपके इर्द गिर्द में, आप जहाँ पर भी रहते हैं, आपके सराउंडिंग में, आपके रिलेटिव में अगर कोई यतीम बच्चे हैं, तो प्लीज़ उन लोगों को आज के दिन स्पेशली आज के दिन, वैसे तो आपका जब दिल चाहे बच्चों के साथ प्यार करें, उनके साथ शफ़क़त से सर रखें, हाथ उनके सर पे रखें, उनकी खुशियों में खुश हो जाएं, उनकी छोटी छोटी चीज़ें ले, बच्चों की छोटी छोटी खुशियों में, मतलब कि उनके चेहरे पे मुस्कराहट आ जाती है। और दुनिया भर में तकरीबन बहुत सारे 60 करोड़, आई एम नॉट श्योर, तकरीबन बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। प्लीज़ खुदारा ऐसे लोगों को ज़रूर सपोर्ट करें, ऐसे बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें। ये भी प्यार मोहब्बत के मुस्तहक होते हैं। बहुत सारी फाउंडेशंस जो है ना, वो ऐसे बच्चों की लुक आफ्टर कर रही होती हैं, उनको उनकी देखभाल कर रही होती हैं, उनके बेसिक चीज़ें दे रही होती हैं, जैसे उनका खाना पीना, रहाइश, तालीम, ईच एंड एवरीथिंग। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली पाकिस्तान में भी बहुत सारे, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटीज, हर जगह पर हैं। अगर सबसे मज़े की बात करूँ अल हिकमत फाउंडेशन की, मैं बेसिकली हम लोग उनके मतलब कि डिफरेंट चीज़ों का हम लोग देख रहे होते हैं, तो अल हिकमत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे बच्चों को निगरानी कर रही है, उनके खाने पीने का इंतजाम। आज मैं थोड़ी देर पहले उनके एक वीडियो बहावलपुर में आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहावलपुर में वो आज बच्चों के साथ दिन गुजारे, उनको गिफ्ट्स दिए, उनके खाने पीने के, मतलब कि खाना पीना उनकी, मतलब कि आप यकीन माने ऐसे बच्चों के साथ अगर आप 10 मिनट भी गुजारते हैं तो वो आपके कीमती वक्त होते हैं। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर देता है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़। थिंग इज़ बहुत सारी फाउंडेशंस जो है ना, वो ऐसे बच्चों की लुक आफ्टर कर रही होती हैं, उनको उनकी देखभाल कर रही होती हैं, उनके बेसिक चीज़ें दे रही होती हैं, जैसे उनका खाना पीना, रहाइश, तालीम, ईच एंड एवरीथिंग। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली पाकिस्तान में भी बहुत सारे, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटीज़, हर जगह पर हैं। अगर सबसे मज़े की बात करूँ अल हिकमत फाउंडेशन की, मैं बेसिकली हम लोग उनके मतलब कि डिफरेंट चीज़ों का हम लोग देख रहे होते हैं, तो अल हिकमत फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसे बच्चों को निगरानी कर रही है, उनके खाने पीने का इंतजाम। आज मैं थोड़ी देर पहले उनके एक वीडियो बहावलपुर में आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहावलपुर में वो आज बच्चों के साथ दिन गुजारे, उनको गिफ्ट्स दिए, उनके खाने पीने के, मतलब कि खाना पीना उनकी, मतलब कि आप यकीन माने ऐसे बच्चों के साथ अगर आप 10 मिनट भी गुजारते हैं तो वो आपके कीमती वक्त होते हैं। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का अजर देता है। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सलामत रहें। अल्लाह हाफिज़।